हेलो बच्चों, वेलकम वंस अगेन। तो जिस तरीके से हम लोगों ने पिछले टॉपिक में बच्चों रैशनलाइजेशन सीखा था, तो उसी रैशनलाइजेशन को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको टाइप 4 तक कराए थे, आज हम लोग टाइप 5 के क्वेश्चंस करेंगे। लेकिन उससे पहले मैंने एक क्वेश्चन लिखा है आपके लिए। ये दो तीन क्वेश्चन मैं करा दे रहा हूँ, आप खुद से आरडी शर्मा से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। ये क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेंगे, लेकिन आरडी शर्मा में मिलेंगे। तो क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड वैल्यू टू थ्री डेसिमल प्लेसेस। थ्री डेसिमल प्लेसेस तक वैल्यू फाइंड करने को कह रहा है, और कह रहा है कि रूट टू की वैल्यू आपको पहले से गिवन है, रूट थ्री, रूट फाइव और रूट टेन की वैल्यू आपको बता रखी है। और आपसे कह रहा है कि 2 - √3 अपॉन रूट थ्री की वैल्यू निकालिए, √10 - √5 अपॉन रूट टू की वैल्यू निकालिए, और √6 / √2 की वैल्यू निकालिए। ठीक है, तो जरा हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। याद कीजिए, मैंने आपको रैशनलाइजेशन सिखाया है, तो रैशनलाइजेशन पहले हम लोग इसके डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करेंगे। कैसे रैशनलाइज करेंगे? तो ये हमारा हो गया 2 - √3 / √3। अब याद कीजिए, मैंने आपको सिखाया था डिनोमिनेटर में √3 है, यानी ऊपर नीचे हम लोग √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हमने बिल्कुल पहले क्वेश्चन में देखा था, सिर्फ डिनोमिनेटर में एक रूट वाला नंबर हो तो ऊपर नीचे वही नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये हमारा हो जाएगा 2 - √3 * √3, है ना? ये 2 - √3 इस ऊपर वाले √3 से मल्टीप्लाई होगा, और नीचे √3 * √3, ये हो गया आपका 3 के बराबर। ठीक है बच्चों, अब इस ब्रैकेट को हटाएंगे तो ये √3 दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा 2√3, और √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3 / 3। क्लियर है? और अब जरा बताइए मुझे, √3 की वैल्यू आपको गिवन है, यहाँ पे √3 की वैल्यू मेंशन है पहले से 1.732, तो इसको पुट कर देते हैं 1.732 - 3/3। ठीक है, और 1.732 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 2 = 4, 2 3 = 6, 2 7 = 14, कैरी ओवर 1 2 1 = 2 और 1 3 - 3/3। ये आपका हो गया 0.464 / 3, ये आपका आ जाएगा 0.15। आ गया आंसर? उसी तरीके से पॉज करके आप इन क्वेश्चंस को भी सॉल्व करें। कर लिया बच्चों पॉज करके सॉल्व सेकेंड क्वेश्चन को, बी पार्ट को फिर से वही करना है आपको। √10 - √5 / √2 है हमारा ये। क्या करेंगे हम लोग, √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि हमें डिनोमिनेटर से रूट को हटाना है, तो √2, तो ये हमारा हो जाएगा √10 - √5 / √2 / √2 कितना होता है 2। ठीक है, अब देखिए ये हमारा कितना आता है, √10 * √2, ये हो गया √10 * √2, यानी कि √20, है ना? दोनों अलग अलग नंबर है, 10 और 2 रूट में, तो इसलिए सिंपली दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। सेम नंबर होते हैं तब रूट हटता है। अच्छा, और वैसे ही √5 * √2, ये हो जाएगा √10 / 2। ठीक है बच्चों, अब देखिए √20 तो हमें नहीं दिया हुआ है ना, तो हमें √20 को भी यही √2 √3 √5 या √10 के टर्म्स में ही लिखना पड़ेगा। तो जरा देखिए मैं √20 को कैसे लिख रहा हूं। 20 को लिख सकते हैं 2 * 2 * 5, लिख सकते हैं 2 2 = 4, 4 5 = 20, और 2, ये 2 बार 2 है तो रूट से बाहर आएगा तो एक ही 2 बचेगा, तो एक 2 हो गया, और ये हमारा √5 हो गया -√10/2। अब इसके आगे आप लोग खुद से सॉल्व कर सकते हैं, आपने सॉल्व किया भी है। √5 की वैल्यू दी हुई है 2.236, -√10 की वैल्यू दी हुई है 3.162 / 2। ठीक है, तो इसको हम आगे सॉल्व कर सकते हैं। 2 को मल्टीप्लाई, 2 6 = 12 का 2, कैरी ओवर 1, 2 3 = 6 + 1 = 7, 2 2 = 4,
डेसिमल आया और 2 2 4, दिस मच माइनस 3.162 डिवाइडेड बाय 2। अब जरा इसको सब्ट्रैक्ट करिए तो ये आपको हो जाएगा 2 से 2 गया 0, ठीक है, फिर 7 माइनस 6 ये हो गया 1, 4 माइनस 1 ये हो गया 3, और 4 माइनस 3 हो गया 1, 1.310 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, ये आपको हो जाएगा 0.655. और एक आखिरी क्वेश्चन लिखा था बच्चों, मैंने कहा था कि √6 / √2, ठीक है, सॉरी √6 / √3 लिखा था शायद, चलिए जो भी है। तो इसे हम लोग कैसे लिखेंगे, ये हमारा हो जाएगा √6 / √3, ऐसे ही लिखेंगे ना। और देखिए जब दोनों में डिवीजन है तो हम इसको एक ही रूट में ले लेंगे, 6/3, ठीक है, और ये हमारा क्या आ जाएगा √2, 6/3 तो 2 होता है ना, और √2 की वैल्यू आपको गिवन है 1.414, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कर लीजिए, फिर हम लोग इसके आगे फिफ्थ टाइप ऑफ क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये सेकंड क्वेश्चन है आपके लिए, इस क्वेश्चन में देखिए क्या है, आपसे कह रहा है फाइंड वैल्यू ऑफ ए एंड बी, किसकी वैल्यू फाइंड करनी है आपको, ए की वैल्यू फाइंड करनी है और बी की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। इस तरीके के जितने भी क्वेश्चंस होंगे उसको भी आप प्रैक्टिस करेंगे अपनी आरडी शर्मा के बुक से, ठीक है। तो क्या कह रहा है, फाइंड वैल्यू ऑफ ए एंड बी, ठीक है, एनसीईआरटी में इस तरीके के क्वेश्चंस नहीं है लेकिन आपको ये आने चाहिए क्योंकि आपसे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो क्वेश्चन कह रहे हैं कि 3 + √7 / 3 - √7 इज इक्वल्स टू a + b √7। अब इसमें आपको a और b की वैल्यू फाइंड करनी, कैसे फाइंड करें, वैसे ये सेकंड है 5 + √3 / 7 + √3 इज इक्वल्स टू a + b √3, इसमें भी a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। तो बहुत सिंपल है, कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं है क्वेश्चन। आपको करना क्या है कि आप सबसे पहले 3 + √7 / 3 - √7, ये जो लेफ्ट हैंड साइड में दिया हुआ है इसको आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको आपको इसके डिनोमिनेटर को आपको रैशनलाइज करना है, आपने सीखा है ना डिनोमिनेटर को किस तरीके से रैशनलाइज करते हैं। तो डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, तो मैंने आपको सिखाया था कि 3 और यहां माइनस की जगह हो जाएगा प्लस, 3 + √7 और नीचे भी हो जाएगा 3 + √7 होगा। अब देखिए ये हमारा क्या आ जाता है, ये हमारा ऊपर है 3 + √7 और ये भी है 3 + √7, तो ये हमारा हो जाएगा 3 + √7 का होल स्क्वायर और नीचे हमारा हो जाएगा 3 - √7 × 3 + √7, क्लियर है। अब बताइए जरा 3 + √7 का होल स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी a स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर 9 प्लस बी स्क्वायर यानी √7 का स्क्वायर, √7 का स्क्वायर क्या होता है 7 प्लस 2 × a × b यानी 3 × √7 डिवाइडेड बाय, अब देखिए ये क्या है a - b × a + b, ये होता है a स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर 9 माइनस बी स्क्वायर यानी √7 / √7। अब देखिए ये क्या आ गया हमारा, ये हमारा आ गया 9 + 7 होता है 16 प्लस 2 × 3 होता है 6 √7 और नीचे बच्चों क्या आ रहा है 9 - 7 = 2। तो ये जो 2 हमारा आ रहा है बच्चों, इस 2 को हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि 16 से भी डिवाइड कर दें और फिर 6 से भी डिवाइड कर दें, 6 √7 से भी डिवाइड कर दें, कर सकते हैं ना। तो ये आपका हो जाएगा इक्वल्स टू 16 को 2 से डिवाइड करें तो हो जाएगा 8 प्लस 6 को 2 से डिवाइड करें तो हो जाएगा 3 √7। ये आपका क्या है, ये आपने 3 + √7 / 3 - √7 को रैशनलाइज किया तो ये आपका निकल कर आ गया 8 + 3 √7। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये जो लेफ्ट हैंड साइड पर जो नंबर है ये a + b √7 के बराबर है, यानी ये आपका a + b √7 आ रहा है। अब देखिए राइट हैंड साइड देखें तो √7 के साथ b है मल्टीप्लिकेशन में
और लेफ्ट हैंड साइड अगर देखें तो रूट सेवन के साथ थ्री है मल्टीप्लीकेशन में। तो अगर हम कंपेयर करें, कंपेयरिंग LHS लेफ्ट हैंड साइड एंड RHS यानी राइट हैंड साइड, तो यानी कि B हमारा किसके बराबर आ रहा है, 3 के बराबर आ रहा है भाई। रूट सेवन के साथ यहां B मल्टीप्लीकेशन में और यहां 3 मल्टीप्लीकेशन में, यानी B की जगह 3 आपको दिख रहा है। और यहां पर जो A है अकेला, यहां पर 8 अकेला है, यानी A हमारा 8 के बराबर है। यानी कुछ करना नहीं है, लेफ्ट हैंड साइड को रैशनलाइज कर लेना उसके डिनोमिनेटर को, और फिर उसको राइट हैंड साइड से कंपेयर कर देना है। चलिए ये क्वेश्चन तो मैंने कर दिया आपके लिए, लेकिन अब ये क्वेश्चन आप खुद से करेंगे। वीडियो को पॉज करें और इस क्वेश्चन को करिए, ट्राई करिए। ठीक है, कर लिया बच्चों ट्राई? आई होप आपने पॉज करके ट्राई किए हैं। अब जरा इसको देखिएगा, इसमें भी वैसे ही लेफ्ट हैंड साइड को हम लोग रैशनलाइज करते हैं। 5 + 3√3 डिवाइडेड बाई 7 + 4√3। अब इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, 7 - 4√3 डिवाइडेड बाई 7 - 4√3, ये करेंगे ना, बस साइन हमने बदलना था। चलिए ये ऊपर हमारा हो गया 5 + 3√3 मल्टीप्लाइड बाई 7 - 4√3, और नीचे क्या है, नीचे है 7 + 4√3 मल्टीप्लाइड बाई 7 - 4√3। चलिए अब देखिए इसको कैसे, इसको मल्टीप्लाई करना आपको आता है। पहले 5 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 35 आ जाएगा, फिर 5 को 4√3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 × 4 = 20 और √3। और देखिए 5 पॉजिटिव है और 4√3 नेगेटिव है, इसलिए नेगेटिव साइन आ जाएगा। फिर 3√3 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 7 = 21, दोनों पॉजिटिव है इसलिए प्लस लिए है √3। ठीक है, और 3√3 को -4√3 से मल्टीप्लाई करें, -(+) ये हो जाएगा माइनस, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 आ जाएगा, और √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा, यानी 12 × 3 मैं इकट्ठे इसको 36 लिख दे रहा हूं। ठीक है, डिवाइडेड बाय a + b (a - b), डिनोमिनेटर हमेशा रैशनलाइजेशन में इसी फॉर्म में आता है, a + b (a - b) होता है a² यानी 7 का स्क्वायर 49 -b² b² यानी 4√3 का स्क्वायर। तो 4√3 का अगर आप स्क्वायर कर रहे हैं, यानी पहले आप 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर हो गया 16, और √3 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 3, 16 × 3 = 48, यानी कि ये आपका आ गया 48। क्लियर है? अब मुझे बताइए 35 - 36, तो 35 - 36 कितना हो जाएगा, -1, +1 नहीं होगा, -1 सब्ट्रैक्ट किया, 36 और 35 का डिफरेंस 1 है, लेकिन 36 बड़ा नंबर है ना, और इसका जो साइन है बड़े नंबर का साइन जो होता है वही लगाते हैं, बड़े नंबर का साइन नेगेटिव है इसलिए यहां पर नेगेटिव लगाएंगे। और ये 21√3 - 20√3 ये आपको हो जाएगा +1√3। क्यों लिया 1√3, 1 इसलिए क्योंकि 20 में से 21 गया 1 बचा, √3, और प्लस इसीलिए लिया क्योंकि 21 बड़ा होता है, डिवाइडेड बाय 1, ये हमारा हो गया इक्वल्स टू -1 + 1√3, और ये किसके बराबर है, ये हमारा है इक्वल्स टू a + b√3। कंपेयर करें, देखिए a हमारा अकेला खड़ा है, यहां पर -1 अकेला खड़ा है, यानी a हमारा -1 के बराबर है। और वैसे ही b देखिए, यहां पर √3 है मल्टीप्लीकेशन में, यहाँ √3 से मल्टीप्लीकेशन में 1 है, यानी b हमारा 1 के बराबर है। इस तरीके के क्वेश्चंस आप लोग ढूंढकर आरडी शर्मा से, ठीक है, ये आपके आरडी शर्मा में जो थर्ड चैप्टर है उसमें दिया हुआ है। ठीक है, जो एनसीईआरटी में जो बच्चों हमारा पहला चैप्टर है वो आरडी शर्मा में 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया हुआ, चैप्टर 1 चैप्टर 2 चैप्टर 3। तो अभी मैं सारा करा दे रहा हूं आपको, फिर आप इकट्ठे वो तीनों चैप्टर करेंगे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसको आप नोट कर ले पॉज करके। चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को करते हैं, ये भी एक अलग टाइप का क्वेश्चन है, वैसे कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बहुत सिंपल है, लेकिन थोड़ा सा एक एडिशन में कुछ आ गया है। जैसा देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको समझिए, क्वेश्चन कह रहा है आपको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने का मतलब है कि आपको एक तरीके से रैशनलाइज करना है। कैसे रैशनलाइज करना है, कैसा क्वेश्चन है,
4 प्लस रूट फाइव अपॉन 4 माइनस रूट फाइव। देखिए पहले अभी तक जो हमने सॉल्व किया है वो इतना ही तक क्वेश्चन रहता था, लेकिन इसमें अब ऐड हो गया है 4 माइनस रूट फाइव अपॉन 4 प्लस रूट फाइव, यानी इसको अलग से रैशनलाइज करना है और इसको अलग से रैशनलाइज करना है और दोनों में ऐड करना है। कैसे करेंगे इसको जरा देखते हैं। इस तरीके से ये दो नंबर ऐड करने को है, हो सकता तीसरा भी होता, हो सकता चौथा भी होता, पांचवा भी होता, इस तरीके से कहीं तक भी हो सकता है। तो इसको जरा देखते हैं हम लोग कैसे रैशनलाइज करेंगे, ठीक है, इसको जरा देखते हैं समझते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग ये वाला पार्ट जो मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूं उस वाले पार्ट को पहले मैं लिखता हूं। ये होगा आपका 4 प्लस रूट फाइव अपॉन 4 माइनस रूट फाइव, ठीक है बच्चों। और ये दूसरा वाला जो पार्ट है इसको मैं थोड़ी दूरी पे लिख रहा हूं, ये क्या है 4 माइनस रूट फाइव अपॉन 4 प्लस रूट फाइव। अब देखिए इसका जो डिनोमिनेटर है बच्चों इसमें रूट है ना, यानी इसको हम लोग रैशनलाइज कर सकते हैं। कैसे रैशनलाइज करेंगे, अगर मैं इसे 4 प्लस रूट फाइव डिवाइडेड बाई 4 प्लस रूट फाइव से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो, ठीक है। और वैसे इसको भी रैशनलाइज कर देते हैं, इसको रैशनलाइज करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये नीचे प्लस है इसलिए 4 माइनस रूट फाइव से मल्टीप्लाई और 4 माइनस रूट फाइव से डिवाइड करना होगा, क्लियर है। अब जरा देखते हैं क्या क्या आता है। देखिए ऊपर हमारा क्या है 4 प्लस रूट फाइव और ये भी 4 प्लस रूट फाइव, यानी ये आपका हो गया 4 प्लस रूट फाइव, चूंकि दो बार मल्टीप्लाई हो रहा है इसलिए ये हो गया 4 प्लस रूट फाइव का स्क्वायर। और नीचे हमारा क्या आ जाएगा, यह 4 माइनस रूट फाइव और यह 4 प्लस रूट फाइव, तो 4 माइनस रूट फाइव मल्टीप्लाइड बाई 4 प्लस रूट फाइव होगा ना सर। अच्छा फिर बीच में प्लस साइन है और यहां पर देखिए 4 माइनस रूट फाइव और 4 माइनस रूट फाइव दो बार है, तो 4 माइनस रूट फाइव का दो बार हम स्क्वायर ले लेंगे, दो बार है तो। और नीचे फिर 4 प्लस रूट फाइव इंटू 4 माइनस रूट फाइव, 4 प्लस रूट फाइव इंटू 4 माइनस रूट फाइव, ठीक है। कोई बहुत मुश्किल काम तो नहीं है, जैसे इससे पहले क्वेश्चन में सिर्फ एक ही बार रैशनलाइज करते थे, यहां पर आपने दो बार रैशनलाइज किया है दोनों अलग अलग तरीके अलग अलग नंबर्स को। अच्छा 4 प्लस रूट फाइव का स्क्वायर यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये होता है ए स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर 16 प्लस बी स्क्वायर रूट फाइव का स्क्वायर 5 प्लस 2ab यानी कि 2 इंटू 4 इंटू रूट फाइव, तो 2 इंटू 4 कितना होता है 8, तो ये हो जाएगा 8 रूट फाइव डिवाइडेड बाई a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। फॉर्मूला क्या होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर 16 माइनस बी का स्क्वायर यानी रूट फाइव का स्क्वायर 5, क्लियर है। अच्छा उसी तरीके से देखिए ये क्या आ रहा है हमारा, ये आ जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सॉरी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ए स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर हो गया 16 प्लस बी का स्क्वायर रूट फाइव का स्क्वायर हो गया 5 माइनस 2ab मतलब 2 इंटू 4 इंटू रूट फाइव यानी 8 रूट फाइव अपॉन, फिर से देखो जो यहां था वही यहां पर है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये भी हो जाएगा 16 माइनस 5, क्लियर है। ये देखिए हमारा क्या आ रहा है 16 प्लस 5 हो गया 21, 21 प्लस 8 रूट 5 डिवाइडेड बाई 16 माइनस 5 होता है 11, और यहां पर क्या हो गया हमारा, यहां पर हो गया 16 प्लस 5 21 माइनस 8 रूट 5 डिवाइडेड बाई 11। अब देखिए क्या होता है, देखिए नीचे तो डिनोमिनेटर में दोनों 11 है, 11 एलसीएम ले लेते हैं। अब चूंकि दोनों में 11 है इसलिए ये हो जाएगा 21 प्लस 8 रूट 5 और फिर हो जाएगा बीच में प्लस साइन है 21 माइनस 8 रूट 5, ये तो आप लोग जानते ही हैं माइनस 8 रूट 5 और प्लस 8 रूट 5 कट गया, ये हमारा आ गया 21 प्लस 21 42, 42 डिवाइडेड बाय 11, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो जिस तरीके से ये दो नंबर्स आपको दिए हुए थे तीसरा भी हो सकता था, तो तीसरे को भी हम ऐसे रैशनलाइज कर देते सबको ऐड कर देते, इसको नोट कर लीजिए, इस तरीके के ढेरों क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। बच्चों ये एक नया क्वेश्चन है आपके लिए,
जैसे हमने पिछली बार दो नंबर्स का जो एडिशन था उसको रैशनलाइज किया था, अब देखिए यहां पर एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नंबर्स को ऐड करना है, और क्वेश्चन कह रहा है कि प्रूफ करना है कि इन सारे नंबर को ऐड करने पर टू आता है, इट इज इक्वल्स टू टू। तो देखिए एक तो ये आपको ऐड करना है, फिर ये है, ये है, ठीक है, इसको तो वैसे जैसे हर बार जैसे पिछली बार रैशनलाइज किया वैसे ही रैशनलाइज करेंगे, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा वन अपॉन वन प्लस रूट टू इंटू वन माइनस रूट टू अपॉन वन माइनस रूट टू, ठीक है। फिर उसी तरीके से वन अपॉन रूट टू प्लस रूट थ्री इंटू रूट टू माइनस रूट थ्री अपॉन रूट टू माइनस रूट थ्री, ठीक है। फिर उसी तरीके से वन अपॉन रूट थ्री प्लस रूट फोर, फिर हो जाएगा इंटू रूट थ्री माइनस रूट फोर बाई रूट थ्री माइनस रूट फोर, ठीक है। उसके बाद फिर अब वन अपॉन रूट फोर प्लस रूट फाइव इंटू रूट फोर माइनस रूट फाइव अपॉन रूट फोर माइनस रूट फाइव, ठीक है। फिर वैसे ही बाकी नंबर्स को भी ऐड करना है, ठीक है। वन अपॉन रूट फाइव प्लस रूट सिक्स इंटू रूट फाइव माइनस रूट सिक्स अपॉन रूट फाइव माइनस रूट सिक्स, ठीक है। फिर प्लस रूट सिक्स प्लस रूट सेवन, वन अपॉन रूट सिक्स प्लस रूट सेवन, इसको मल्टीप्लाई कर दो, रूट सिक्स माइनस रूट सेवन अपॉन रूट सिक्स माइनस रूट सेवन, ठीक है। उसके बाद फिर ये दो नंबर जो है बचे हुए हैं, उसके बाद फिर आप ऐड करोगे वन अपॉन रूट सेवन प्लस रूट एट इंटू रूट सेवन माइनस रूट एट डिवाइडेड बाय रूट सेवन माइनस रूट एट, ठीक है। और ये आखिरी नंबर जो है वो हो जाएगा वन अपॉन रूट एट प्लस रूट नाइन, इसको कर दीजिए रूट एट माइनस रूट नाइन अपॉन रूट एट माइनस रूट नाइन, ठीक है। अब देखिए मैं इसको शॉर्ट में सॉल्व करूंगा, आप जरा समझिएगा इसको, मैं सब में ब्रैकेट डाल दे रहा हूं, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, जहां जहां प्लस साइन है उसके बाद हम मैं ब्रैकेट डाल दे रहा हूं, ठीक है। अब अगला देखिए, इस ब्रैकेट को देखिए, ये हमारा है वन माइनस रूट टू अपॉन वन प्लस रूट टू इंटू वन माइनस रूट टू, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर यानी वन का स्क्वायर वन और बी स्क्वायर यानी रूट टू का स्क्वायर टू, क्योंकि वन माइनस रूट टू अपॉन वन माइनस टू। फिर ये हो जाएगा रूट टू माइनस रूट थ्री, रूट टू माइनस रूट थ्री अपॉन रूट टू प्लस रूट थ्री इंटू रूट टू माइनस रूट थ्री, वही रूट टू का स्क्वायर हो जाएगा टू, रूट थ्री का स्क्वायर हो जाएगा थ्री, ठीक है। देख रहे हैं इसको, वैसे ही अब इसको करिए, रूट थ्री माइनस रूट फोर है ऊपर और नीचे हमारा क्या आ रहा है, रूट थ्री प्लस रूट फोर, रूट थ्री माइनस रूट फोर, यानी कि रूट थ्री का स्क्वायर यानी थ्री और रूट फोर का स्क्वायर यानी फोर। वैसे ये वाला करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा बच्चों, रूट फोर माइनस रूट फाइव, रूट फोर माइनस रूट फाइव अपॉन रूट फोर प्लस रूट फाइव इंटू रूट फोर माइनस रूट फाइव, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी फोर माइनस फाइव, ठीक है। अगला करते हैं, अगला हमारा है रूट फाइव माइनस रूट सिक्स अपॉन फाइव माइनस सिक्स, ये होगा ना रूट फाइव का स्क्वायर फाइव माइनस सिक्स, वैसे इसमें क्या हो जाएगा, रूट सिक्स माइनस रूट सेवन अपॉन सिक्स माइनस सेवन, उसके अगले में हो जाएगा रूट सेवन माइनस रूट एट अपॉन सेवन माइनस एट, और आखिरी का हो जाएगा रूट एट माइनस रूट नाइन अपॉन एट माइनस नाइन। अब सबके डिनोमिनेटर में देखिए, वन माइनस टू कितना होगा माइनस वन, टू माइनस थ्री कितना होगा माइनस वन, थ्री माइनस फोर कितना होगा माइनस वन, फोर माइनस फाइव माइनस वन, ये भी माइनस वन, सब माइनस वन। तो
ये हमारा क्या होगा, वन माइनस रूट टू अपॉन माइनस वन, उसके बाद फिर प्लस रूट टू माइनस रूट थ्री अपॉन माइनस वन, वैसे अगले में हो जाएगा रूट थ्री माइनस रूट फोर अपॉन माइनस वन, फिर होगा रूट फोर माइनस रूट फाइव अपॉन माइनस वन, फिर रूट फाइव माइनस रूट सिक्स अपॉन माइनस वन, ऐसा क्या हो जाएगा रूट सिक्स माइनस रूट सेवन अपॉन माइनस वन, ये हो जाएगा रूट सेवन माइनस रूट एट अपॉन माइनस वन, और ये हो जाएगा रूट एट माइनस रूट नाइन अपॉन माइनस वन। अब देखिए सब में माइनस वन है, तो मैं ऐसा कर रहा हूं कि मैं माइनस वन एलसीएम ले लेता हूं, ये मेरा हो गया माइनस वन। ठीक है, अब जरा करके देखते हैं, वन माइनस रूट टू, क्योंकि सब में माइनस वन एलसीएम है, नीचे माइनस वन होगा कॉमन और ऊपर के सारे नंबर्स को ऐड कर देंगे, प्लस रूट टू माइनस रूट थ्री, फिर प्लस रूट थ्री माइनस रूट फोर, फिर प्लस रूट फोर माइनस रूट फाइव, फिर प्लस रूट फाइव माइनस रूट सिक्स, अगला है प्लस रूट सिक्स माइनस रूट सेवन, इसका अगला है रूट सेवन माइनस रूट एट, और आखिरी है रूट एट माइनस रूट नाइन। अब देखिए प्लस रूट एट माइनस रूट एट कट गया, प्लस रूट सेवन माइनस रूट सेवन, प्लस रूट सिक्स माइनस रूट सिक्स, प्लस रूट फाइव माइनस रूट फाइव, प्लस रूट फोर माइनस रूट फोर, प्लस रूट थ्री माइनस रूट थ्री, प्लस रूट टू माइनस रूट टू। बचता क्या है हमारा देखते हैं जरा, इधर बचा वन और इधर हमारा बचता है माइनस रूट नाइन, और रूट नाइन हमारा क्या होता है थ्री के बराबर होता है, यानी रूट नाइन की जगह थ्री लिख सकते हैं, तो माइनस थ्री, वन माइनस थ्री अपॉन माइनस वन, ये बच रहा है। अब बच्चों वन माइनस थ्री कितना होता है न्यूमरेटर, माइनस टू अपॉन माइनस वन, माइनस से माइनस कट गया, ये हमारा टू के बराबर आया, और ये तो राइट हैंड साइड में टू दिया हुआ है, तो ये राइट हैंड साइड के बराबर है ना, तो हमने प्रूफ कर दिया। ठीक है, हमें प्रूफ करना था कि ये पूरा सॉल्व कर रहे थे टू के बराबर आएगा, हमने पूरा सॉल्व किया टू आ गया। कैसे सॉल्व किया, हर एक ब्रैकेट वाले नंबर को हमने रैशनलाइज कर दिया, रैशनलाइज करके जो वैल्यू आई हमने देखा डिनोमिनेटर सबका माइनस वन है, तो माइनस वन हमने नीचे ले लिया और फिर सबको ऐड कर दिया, सारे नंबर्स कट गए और हमारा आंसर फाइनल टू निकल कर आ गया। इसको नोट कर लीजिए, यही आपका टाइप फाइव था, जो इससे पहले क्वेश्चन किया, उससे पहले क्वेश्चन किया, ये किया, क्वेश्चन नंबर टू थ्री फोर, ये सारे टाइप फाइव थे आपके। अब हम लोग टाइप फाइव हो गया हमारा, अब हम एक दो दो तीन क्वेश्चन जो है वो थोड़े अलग से करेंगे। चलिए बच्चों एक आसान सवाल है, क्वेश्चन नंबर फाइव आज का, ये क्वेश्चन है, कह रहा है इफ एक्स इज इक्वल्स टू टू प्लस रूट थ्री, यानी आपको पहले से ही गिवन है कि एक्स की वैल्यू क्या है, गिवन है आपको कि जो हमारा एक्स है वो टू प्लस रूट थ्री के बराबर है। ठीक है, तो आपसे कह रहे हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर निकालना है। अच्छा बच्चों, अगर एक्स हमारे पास है, इसका अगर हम स्क्वायर कर दें तो एक्स स्क्वायर मिल जाएगा ना, ठीक है, ये वाला पार्ट तो मिल जाएगा हमें। अच्छा ये वन बाई एक्स स्क्वायर जो है, अगर सपोज करो कि हम इसका उल्टा कर दें, एक्स का उल्टा क्या हो जाएगा वन बाई एक्स, तो वन बाई एक्स अगर हम निकाल लेते हैं तो उसका भी स्क्वायर करने पर वन बाई एक्स स्क्वायर मिल जाएगा, दोनों को ऐड कर देंगे तो निकल जाएगा आंसर। तो एक्स तो हमारे पास पहले से है, अब हम जरा देखते हैं वन बाई एक्स कितना होगा, यानी कि एक्स का हमने उल्टा कर दिया है, तो ऊपर तो हमारा वन है और नीचे एक्स है, उसकी जगह लिख देंगे टू प्लस रूट थ्री, लिख सकते हैं, लेकिन डिनोमिनेटर में तो हमारा रूट है, तो इसको रैशनलाइज कर देंगे। रैशनलाइज करने का तरीका क्या बताया था मैंने आपको, कि आप इसको टू माइनस रूट थ्री से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारा कितना हो गया वन इंटू टू माइनस रूट थ्री, ये हमारा हो गया टू माइनस रूट थ्री डिवाइडेड बाई, ये हमारा क्या हो जाएगा टू प्लस रूट थ्री इंटू टू माइनस रूट थ्री होगा ना। और अब देखिए हमारा क्या आता है, ऊपर तो हमारा टू माइनस रूट थ्री है, नीचे वही जो हर बार आता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी ए स्क्वायर यानी टू का स्क्वायर फोर माइनस बी स्क्वायर यानी रूट थ्री का स्क्वायर थ्री, फोर माइनस थ्री कितना होता है वन, तो नीचे वन हो गया यानी कि ये माइनस टू माइनस रूट थ्री आ गया। तो अब नोटिस कीजिए, अगर एक्स हमारा टू प्लस रूट थ्री, तो एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा,
टू प्लस रूट थ्री का स्क्वायर ए होगा ना, ये कितना हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर यानी ए स्क्वायर यानी टू का स्क्वायर फोर, प्लस बी स्क्वायर यानी रूट थ्री का स्क्वायर थ्री, प्लस टू ए बी यानी टू इंटू टू इंटू रूट थ्री, तो टू टू जा फोर, फोर रूट थ्री, ठीक है। और वन बाई एक्स जब हमारा इतना है तो वन बाई एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, टू माइनस रूट थ्री का स्क्वायर, भाई हमारा वन बाई एक्स आया है टू माइनस रूट थ्री, तो इस साइड हम स्क्वायर कर रहे हैं तो इस साइड भी स्क्वायर करेंगे, है ना। ये हमारा कितना हो जाएगा, फोर प्लस थ्री माइनस फोर रूट थ्री, सब कुछ सेम है, बस यहां प्लस माइनस का अंतर था, ये हमारा आ गया। अब जरा इन दोनों को हम ऐड कर देते हैं, ठीक है बच्चों, तो हमारा क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर और इसको ऐड करेंगे, ये हमारा हो जाएगा वन बाई एक्स स्क्वायर, यही तो चाहिए था हमें। तो लेफ्ट हैंड साइड को ऐड किया है तो राइट हैंड साइड को भी ऐड करते हैं, तो राइट हैंड साइड हमारा है फोर प्लस थ्री प्लस फोर रूट थ्री ये वाला, और फिर इसमें ऐड करना है, ये हमारा है फोर प्लस थ्री माइनस फोर रूट थ्री, देखिए प्लस फोर रूट थ्री और माइनस फोर रूट थ्री कट जाएगा, ये हमारा आ जाएगा फोर प्लस थ्री हमारा है सेवन, और ये फोर प्लस थ्री हमारा हो जाएगा सेवन, यानी आंसर हमारा कितना हो गया, फोर्टीन, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर हमारा फोर्टीन के बराबर है, ठीक है। एक्स दिया हुआ था तो एक्स से एक्स स्क्वायर निकाल लिया, और यहां पर वन बाई एक्स का स्क्वायर भी चाहिए था, तो वन बाई एक्स इसका उल्टा लेकर रैशनलाइज करके वन बाई एक्स की वैल्यू निकाल ली, इसको स्क्वायर कर दिया और फिर दोनों को ऐड कर दिया, रिजल्ट आ गया। चलिए करिए इस क्वेश्चन को पॉज करके, इसके भी इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस आपको चार पांच क्वेश्चन कम से कम प्रैक्टिस कर लेने हैं आज। चलिए बच्चों ये एक क्वेश्चन है, इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है इफ एक्स इज इक्वल टू वन माइनस रूट टू फाइंड एक्स माइनस वन बाई एक्स होल रेज टू द पावर फोर। तो देखिए आपको क्वेश्चन में पहले से एक्स दिया हुआ है, आपको एक्स तो दिया हुआ है ना वन माइनस रूट टू, और दूसरा क्या कह रहा है, देखिए आपको फाइंड करना है x माइनस वन बाई एक्स, तो x तो आपके पास पहले से है, वन बाई एक्स भी अगर पता चल जाए तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करके और रेस टू दी पावर फोर कर सकते हैं ना, तो वन बाई एक्स निकालते हैं पहले, वन बाई एक्स हमारा हो जाएगा वन बाई वन माइनस रूट टू, है ना। और इसको भाई अब डिनोमिनेटर में तो हमारा रूट है तो इसको रैशनलाइज करेंगे तो हो जाएगा वन प्लस रूट टू डिवाइडेड बाय वन प्लस रूट टू, ऊपर कितना हो गया, ऊपर तो सिर्फ वन प्लस रूट टू बचेगा और नीचे हमारा बचेगा वन माइनस रूट टू इंटू वन प्लस रूट टू, कितना हो गया ये, ऊपर तो हमारा वन प्लस रूट टू है ही और नीचे हमारा ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी यानी ए स्क्वायर वन का स्क्वायर वन माइनस रूट टू का स्क्वायर टू, ठीक है। और ऊपर हमारा वन प्लस रूट टू तो है ही, नीचे वन माइनस टू कितना होता है माइनस वन, इस माइनस को अगर मैं ऊपर भेज दूं तो ये माइनस मेरा इस तरीके से आ जाएगा, होगा बच्चों, तो ये हमारा वन बाई एक्स निकल कर आ गया माइनस ऑफ वन प्लस रूट टू, ठीक है। ये एक्स इसको मैं इक्वेशन नंबर वन कह दे रहा हूं और वन बाई एक्स इसको मैं इक्वेशन नंबर टू कह रहा हूं, ठीक है। तो एक्स माइनस वन बाई एक्स हमें चाहिए, तो एक्स की वैल्यू है वन माइनस रूट टू, ठीक है, फिर एक माइनस साइन है और उसके बाद वन बाई एक्स की वैल्यू है माइनस, देखिए एक माइनस तो ये वाला जो था मैंने लिख दिया और एक और माइनस ये वाला आएगा वो यहां पर माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा और ये हमारा है वन प्लस रूट टू, है ना बच्चों। तो देखिए माइनस रूट टू और प्लस रूट टू कट जाएगा, ये कितना आएगा वन प्लस वन यानी कि टू, तो देखिए एक्स माइनस वन बाई एक्स हमारा आ रहा है टू, तो इस साइड हमें कितना पावर लेना है फोर, तो इस साइड भी पावर ले लेंगे फोर। अब बताइए टू टू दी पावर फोर का मतलब क्या हो गया, कि चार बार टू को मल्टीप्लाई करेंगे तो टू टू जा फोर, फोर टू जा एट, टू जा सिक्सटीन, यानी x माइनस वन बाई एक्स रेज टू दी पावर फोर इसकी वैल्यू होती है 16, ये हमारा आंसर आ गया, इसको नोट कर लीजिए आप, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए ये सातवां क्वेश्चन देखते हैं बच्चों हम लोग आज के लिए। क्वेश्चन कह रहे हैं कि
ए की वैल्यू है 2 माइनस रूट थ्री अपॉन 2 प्लस रूट थ्री और बी की वैल्यू है 2 प्लस रूट थ्री अपॉन 2 माइनस रूट थ्री। तो आपसे कह रहा है फाइंड करने को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अच्छा बच्चों ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, इसे हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जगह ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, लिख सकते हैं ना। तो अगर मैं a प्लस बी निकाल लूं और a माइनस बी निकाल लूं और दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा। देखिए a जो हमारा है वो है 2 माइनस रूट थ्री अपॉन 2 प्लस रूट थ्री, ठीक है। इसको रैशनलाइज कर लेते हैं क्योंकि डिनोमिनेटर इसका रूट में है, ये हो जाएगा 2 माइनस रूट थ्री अपॉन 2 माइनस रूट थ्री। क्या होगी इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 माइनस रूट थ्री का होल स्क्वायर, ऊपर दो बार 2 माइनस रूट थ्री है ना, और नीचे हो जाएगा 2 प्लस रूट थ्री इंटू 2 माइनस रूट थ्री। देखते हैं जरा इसकी क्या वैल्यू आती है, 2 माइनस रूट थ्री का स्क्वायर यानी a माइनस बी का स्क्वायर यानी a स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 प्लस बी स्क्वायर यानी रूट थ्री का स्क्वायर 3 माइनस 2 ए बी यानी 2 इंटू 2 4 इंटू रूट थ्री फोर रूट थ्री डिवाइडेड बाई ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, टू का स्क्वायर फोर रूट थ्री का स्क्वायर थ्री। ये आपका हो गया इक्वल्स टू 7 माइनस फोर रूट थ्री और नीचे तो 1 आ रहा है तो ये 7 माइनस फोर रूट थ्री हो गया। अच्छा वैसे बी की वैल्यू भी फाइंड कर लेते हैं, बी हमारा क्या है, बी हमारा है ठीक इसका उल्टा 2 प्लस रूट थ्री डिवाइडेड बाई 2 माइनस रूट थ्री, और इसको कर देते हैं रैशनलाइज, नीचे माइनस था इसलिए ये प्लस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हैं। तो ऊपर देखिए 2 प्लस रूट थ्री दो बार है तो ये हो जाएगा 2 प्लस रूट थ्री का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 माइनस रूट थ्री इंटू 2 प्लस रूट थ्री, यही है। अब ये देखिए क्या हो जाएगा आपका ए स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4 प्लस बी स्क्वायर रूट थ्री का स्क्वायर 3 प्लस 2 ए बी यानी 2 इंटू 2 4 रूट थ्री, नीचे ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी सेम वही आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आपका हो गया 7 प्लस 4 रूट थ्री डिवाइडेड बाई 1 यानी कि ए हो गया। तो ए भी ए आपका आ गया, ये बी आपका आ गया। तो जरा हम लोग ए प्लस बी और ए माइनस बी फाइंड करते हैं। ए प्लस बी ए की वैल्यू कितनी है 7 माइनस 4 रूट थ्री और बी की वैल्यू कितनी है 7 प्लस 4 रूट थ्री, ये प्लस फोर रूट थ्री और माइनस फोर रूट थ्री कट जाएगा 7 और 7 हमारा 14 आ जाएगा यानी ए प्लस बी की वैल्यू कितनी आई 14। और वैसे ही ए माइनस बी निकालना है, ए हमारा है 7 माइनस फोर रूट थ्री फिर माइनस बी हमारा है 7 प्लस फोर रूट थ्री। इसको लेकिन कैसे लिखेंगे 7 माइनस फोर रूट थ्री, ये माइनस मल्टीप्लाई है तो माइनस 7 हो जाएगा और ये माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस फोर रूट थ्री हो जाएगा। माइनस 7 और प्लस 7 कट गया, ये हमारा फोर रूट थ्री और फोर रूट थ्री 8 रूट थ्री आ जाएगा लेकिन दोनों नेगेटिव हैं इसलिए माइनस साइन हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब हमें क्या निकालना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ये हमारा होता है इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए प्लस बी की वैल्यू कितनी है 14 और a माइनस बी की वैल्यू 8 रूट थ्री, ठीक है। तो 14 इंटू 8, 14 इंटू 8 कितना होता है 112, तो 112 रूट थ्री और एक माइनस साइन था निकल कर आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आ गया माइनस 112 रूट थ्री, ये हो गया आंसर। चलिए इसको नोट कर लीजिए, ठीक है बच्चों। तो आई होप आपको आज के सारे क्वेश्चन समझ में आए। अब जितने भी तरीके के मैंने क्वेश्चंस आपको कराए हैं हर तरीके के क्वेश्चन के 5-5, 6-6, 8-8 क्वेश्चंस आप खुद से कर लेंगे आर डी शर्मा वाली बुक से और एनसीईआरटी वाली बुक से तो फिर आपका बहुत अच्छे से हो जाएगा। तो बच्चों अगर आपको ये लेक्चर पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए इस वीडियो को, साथ ही अपने फ्रेंड्स को अपने नेबर्स को आप रिकमेंड कर सकते हैं इस लेक्चर के थ्रू पढ़ने के लिए, आप उन्हें फॉरवर्ड कर सकते हैं।
अच्छा, इसके अलावा बच्चों अगर आप हमें हमारे ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में क्लासेस के लिए इंटरेस्टेड हैं तो आप हमें इन दो नंबर्स में से किसी भी एक नंबर पे कॉल करके कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे दो ब्रांचेस हैं, एक मयूर विहार फेज वन दिल्ली में और एक आईपी एक्सटेंशन मधु विहार में, आईपी एक्सटेंशन दिल्ली, दोनों दिल्ली में हमारे ब्रांचेस हैं। 9th 10th को मैथ्स और साइंस पढ़ाते हैं, 11th 12th को फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स और बायो। तो आप हमारे इंस्टीट्यूट में क्लासेस के लिए भी अपने फ्रेंड्स को, अपने नेबर्स को, अपने जानने वालों को आप रेकमेंड कर सकते हैं क्वालिटी एजुकेशन के लिए। ठीक है बच्चों, इसके अलावा आप खुद से प्रैक्टिस कीजिए क्वेश्चंस, और अगली क्लास में हम लोग मिलेंगे तब आपके पहले चैप्टर का एक आखिरी एक्सरसाइज बचा हुआ है, उस आखिरी एक्सरसाइज को हम स्टार्ट करेंगे, वो भी बेहद इंपॉर्टेंट है। आगे आने वाले चैप्टर्स भी बेहद इंपॉर्टेंट हैं, कुछ 4-5 चैप्टर्स हम लोग बहुत अच्छे से आराम आराम से करेंगे ताकि हम लोग का कॉन्सेप्ट जो पूरा बेस हमारा बन जाए। तो आज के लिए इतना काफी है, प्रैक्टिस करते रहिए क्वेश्चंस, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, पढ़ाई करिए अच्छे से। अगली क्लास में फिर से मिलते हैं कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। ओके बच्चों, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और खूब पढ़िए। बाय।